न्यू बिगनिंग आप फ्रेश स्टार्ट, जिसके लिए डिवाइन कह रहे हैं रेडी रहे, ठीक है। किसी की प्लानिंग को डिवाइन ने पूरी तरह से फेल कर दिया है, भस्म कर दिया है, ठीक है। आप ना आज इस बात को मान लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा ना प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा था आपके अगेंस्ट, आपको यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने के लिए। हाँ, कुछ ऐसे लोग थे आपके अराउंड जो बहुत ज़्यादा ना योजनाएं बना रहे थे, ठीक है, आपको परेशान करने के लिए ना प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उन सभी चीज़ों को यहाँ पर डिवाइन ने पूरी तरह से भस्म कर दिया है। भस्म कर दिया है नहीं, पूरी तरह से उनकी सभी प्लानिंग को ना जला करके राख कर दिया है, और उस जले हुए राख को ना कहीं फेंक दिया उठाकर। वह जो सोच रहे थे, करना चाह रहे थे, ठीक है, आपके अगेंस्ट जो भी सोच रहे थे, करना चाह रहे थे, शायद वो अब कभी अपने जीवन में वो सारी चीज़ें कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। उनको हिम्मत ही अब ये चीज़ करने की नहीं होगी, क्योंकि उन्हें उनके कर्मास मिलने लगे हैं। और यहाँ पर डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आपके मार्ग में अब बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, और आप अपनी फैमिली टाइम को बहुत ज़्यादा अच्छे से इंजॉय करने वाले हो। आपकी फैमिली का जो एक आपका जो एक रिश्ता, एक बॉन्ड है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, सभी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, ठीक है। सारी चीज़ें फैमिली में दिख रहा है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, फैमिली में मिठास बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से आप सब रहेंगे, आपसी प्रेम बढ़ेंगे सभी में, ठीक है। सभी बहुत अच्छे से रहेंगे, सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, अच्छे से रहेंगे। कहीं ना कहीं आप फैमिली के साथ ना कहीं हो सकता है बाहर ट्रैवल करने भी जा सकते, ओके, ये भी आ रहा है डाउनलोड में। फैमिली के साथ आप ना बहुत अच्छे से रहोगे, ये चीज़ आ रहा है कि फैमिली में एक अच्छा, आप कह सकते हैं फैमिली में सब कुछ अच्छा रहेगा, सबके साथ बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो एक रिश्ता है ना फैमिली के साथ, वो सभी के साथ बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत ज़्यादा ना यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं भाग्यशाली हैं। अगर आज आप इस दिव्य संदेश को सुन पाए हैं, अगर आज आप इस दिव्य संदेश को आकर्षित कर पाए हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में ना ये चीज़ दिख रहा है कि फैमिली से रिलेटेड चीज़ें जो ख़राब चल रही थी, मतलब अनबैलेंस थी, सही चीज़ें नहीं थी, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी फैमिली में एडजस्ट करने के लिए, कोई आपकी बात नहीं मान रहे थे फैमिली में, आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड वाइफ जो भी थे बात नहीं मान रहे थे, कुछ लड़ाई झगड़े मच रहे थे फैमिली में, कलह कलेश था, ठीक है, पारिवारिक में ना बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है, डिस्टेंस आ गया था, दूरी आ चुकी थी, वो दूरी अब बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली है। फैमिली में बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है ना कि सभी को ना एक दूसरे की, मतलब समझ आएगी, कदर समझ आएगी, कि ये कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि ना फैमिली बहुत ज़्यादा आपकी बैलेंस में आने वाली है, सारी चीज़ें आप ना बहुत अच्छे से इंजॉय करने वाले हो, और फैमिली के साथ ज़रूर आप कहीं बाहर डेफिनेटली जाने वाले हो, छोटी सी ट्रैवल रहेगी, लेकिन आप विथ फैमिली के साथ कहीं जाने वाले हो, कहीं बाहर घूमने वाले हो, ठीक है। फैमिली रिलेटेड चीज़ें देखा जाए तो आप बहुत अच्छे से रहोगे, ठीक है। घर आते हैं, घर में हम ये चीज़ देखते हैं ना कि सभी बहुत अच्छे से हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं और घर आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, जो फैमिली बहुत अच्छे से रहती है, हंसती है, मुस्कुराती हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें आप अपनी फैमिली में ना देखने वाले हैं, सभी बहुत अच्छे से रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी फैमिली में मिठास बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा। फैमिली में कुछ किसी किसी के हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने जिस किसी की भी एनर्जी पिक करी है, फैमिली रिलेटेड चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे किसी किसी के घर में तो बहुत ज़्यादा, ठीक है, हस्बैंड वाइफ में, मदर इन लॉ में हो सकता है, मदर इन लॉ के साथ आपकी बनती ना हो, के पेरेंट्स आपकी बात नहीं मान रहे, या बच्चे आपके बात नहीं मान रहे, ऐसे भी हो सकता है ना, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में देख रही हूँ, सारी चीज़ें बहुत रुकी हुई थी, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ख़त्म होने वाली, ओके। तो हम ले लेते हैं मैसेज हमारे स्पिरिट्स के, ओके, स्पिरिट्स हमें क्या बताना चाहते हैं, ये वाला ले लेते हैं। जब से देखा है बस सोच ही रहा हूँ तुम्हारे बारे में, या सोच ही रही हूँ तुम्हारे बारे में, तो ये कोई रोमांटिक मैसेज आया किसी के लिए, स्पेसिफिक स्पेशल वन के लिए आया है, और देख लेते हैं। कोई रो रहा है तुम्हारे लिए अब, तो कोई आपके लिए रो रहा है, ठीक है, किसी को ना अंदर से एक गिल्ट हो रहा है, एहसास हो रहा है, उन्होंने आपके लिए गलत किया, गलत सोचा, ठीक है, तो अब उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। स्पेसिफिक मैसेज आए हैं दोनों,
सबके लिए नहीं हो सकते हैं, किसी किसी के लिए हो सकते हैं, आपको पता होगा आपके साथ अगर रेजोनेट हो रहा है तो। ओके, और देख लेते हैं, कोई छुप छुप कर आपको देखते हैं, तो कोई छुप छुप कर आपको देखते हैं, ठीक है, आपको देखते रहते हैं, आप क्या कर रहे हो, सीक्रेटली आपको वॉच करते हैं, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ठीक है। आपको कोई हो सकता है ऐसे आपके फैमिली में अराउंड, या ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको छुप छुप कर देखते हैं कि आपकी फैमिली में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। ऐसे होते हैं ना कुछ लोग जिनको बहुत ज़्यादा ये सब जानने की पड़ी रहती है कि किसके फैमिली में क्या हो रहा है क्या नहीं, तो कुछ लोग हैं जो आपको छुप छुप कर, ये क्या हो गया, छुप छुप कर देखते रहते, ठीक है। न्यू डेक से मैसेज लेते हैं इस वाले से। ओके, ये वाला ले लेते हैं। न्यू होम, तो किसी ने नए घर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ नया घर आया है किसी के लिए, आप न्यू घर में शिफ्ट होने वाले हैं, या आपको घर चाहिए, नया घर चाहिए, कोई नए फ्लैट लेने वाला है, कोई ऐसा कुछ आया है, न्यू होम आया है, या नए घर में आप जाने वाले हैं, ठीक है, ये नया घर है, ठीक है, नए घर से रिलेटेड चीज़ें आई हैं किसी के लिए, आप घर खरीदने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, फ्लैट, नई फ्लैट कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, कुछ नई होम, नई चीज़ें आप सोच रहे हो, नए घर के बारे में जाने की सोच रहे हो। रिसेंटली बाय ब्लैक ड्रेस, किसी ने रिसेंटली ब्लैक कलर का ड्रेस खरीदा है, ऐसा भी हो सकता है कि आप ब्लैक कलर के ड्रेस को खरीदने वाले हैं, ठीक है, ब्लैक कलर के ड्रेस, कोई अगर ब्लैक कलर की चीज़ें आप खरीदने वाले हैं, आपने रिसेंटली ब्लैक कलर की चीज़ें अपने लिए खरीदी है, ठीक है, ये इसलिए मैसेज आया है, मुझे लगता है कि आप समझ सकेंगे कि आपके लिए ही ये मैसेज है, ठीक है, आप रेजोनेट कर सकें इस मैसेज से, क्योंकि इसमें जो भी मैसेज आज दिए जाएंगे, ठीक है, जो भी मैसेज मैं आपको बता रही हूँ, तो वो सब और सब के सब आपसे ही रिलेटेड रहेंगे, ओके, इसीलिए ये मैसेज आ रहे हैं। पार्टी, तो आप पार्टी करने वाले हैं अपनी फैमिली के साथ, ये हो सकता है अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने जाने वाले, उनके साथ पार्टी करने वाले, बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं, ठीक है, फैमिली के साथ तो पार्टी करने वाले हैं, आप पार्टी करने के मूड में हैं, ओके, तुम वहाँ जाने वाले हो जहाँ मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तो ये डिवाइन आपको कह रहे हैं, डिवाइन आपको वहाँ पर देखना चाहते हैं, जहाँ पर वो आपको देखना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप जा रहे हो ना वहाँ पर डिवाइन आपको देखना चाहते हैं, ठीक है, आप वहीं जा ही रहे हो और डिवाइन आपको वहाँ पर लेकर जा रहे हैं, ठीक है, तो ये डिवाइन आपको कह रहे हैं तुम वहीं जा रहे हो जहाँ पर मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तो आप नए घर में जा रहे हो सकता है ये ब्लेसिंग हो डिवाइन की आपकी तरफ से, ठीक है, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं नए घर के लिए, ऐसा भी हो सकता है, या आप सोच रहे हो नए घर के बारे में, तो वो चीज़ें ज़रूर से होगी, डेफिनेटली होगी, और वहाँ पर आप नहीं, आपके डिवाइन वहाँ पर आपको ले जाने वाले हैं, आपके जो पितृ हैं, आपके जो ईश्वर हैं, वो आपको ले जाने वाले हैं, ठीक है, नए घर की ओर ले जाना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है, बाकी आप देख लीजिए आपसे क्या रेजोनेट हो रहा है, मुझे ऐसा ही लगा। ओके, और ले लेते हैं, हाँ ये वही समय है, तो आपके लिए ये राइट समय है, सही समय है, ठीक है, अपने लिए सही चीज़ें करें, सही अफर्मेशन दे डिवाइन को, ग्रेटफुल रहे, अच्छी चीज़ें बोले, थैंकफुल रहे, ठीक है, आपके लिए राइट टाइम है, जो आप करना चाहते हो उसे करें, ठीक है, उसके लिए एक्शन ले, ठीक है, ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए, यहाँ पर डिवाइन आपको ये बातें कह रहे हैं, तो एक्शन ज़रूर से ले, उसके लिए काम करें, जो आप करना चाहते हैं उसको करें, क्योंकि राइट टाइम आ चुका है, सही समय आ चुका है, अब देरी किसी बात की नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं आपको। ओके, और ले लेते हैं, ये वाला मैसेज आ रहा था, वो लोगों से एडवाइस ले रहे हैं आपके लिए, अब सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, तो कुछ लोग ना एडवाइस ले रहे हैं लोगों से, आपसे, आपके लिए, और वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे आपकी बनती नहीं होगी, लड़ाई झगड़े हो गए होंगे, दूर हो चुके होंगे, डिस्टेंस हो चुका होगा एक, तो कुछ लोग ना लोगों से ना, कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों से ना एडवाइस ले रहे हैं कि कैसे रिश्ता ठीक किया जाए आपके साथ, ठीक है, ऐसा मैसेज आया है, तो कुछ लोग आपसे ना रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं वापस से। ओके, ये वाला आ रहा है, एक सेकेंड
ओ ओ ओ कोई अपने किए पर पछता रहा है। और फिर हमारा जो पहले वाला जो मैसेज आया था वो क्या था? वो लोगों से एडवाइस ले रहे हैं आपके लिए, अब वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। और हमारा नेक्स्ट मैसेज क्या आया? कोई अपने किए पर पछता रहा है। तो आपको समझ आ गया ना यहाँ पर डिवाइन क्या कह रहे हैं? किसी ने बहुत कुछ गलत कर दिया है आपके साथ, ठीक है, बहुत गलती की है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने कर दी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, और अब वो एडवाइस ले रहे हैं लोगों से कि कैसे सब कुछ ठीक किया जाए, कैसे सारी चीज़ें अच्छी की जाए, क्योंकि उन्हें अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। ओ ओ ओ तो यहाँ पर डिवाइन ने बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया है। मुझे लगा ये ऐसे ही आया होगा, लेकिन नहीं, कुछ ऐसे लोग थे आपकी लाइफ में जिन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, तो उन्हें उनके कर्मास मिले हैं, तो उन्हें ये समझ आया है, कहीं ना कहीं ये बात समझ आई कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत कर दिया, तो वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें कैसे ठीक हो, आपसे उनका रिश्ता कैसे ठीक होगा। तो बहुत सारे लोगों से वो एडवाइस ले रहे हैं, ठीक है, और अपने किए पर ना बहुत ज़्यादा उन्हें पछतावा हो रहा है, ठीक है, डिवाइन की लाठी पड़ी है उन पर, तो उन्हें अब अपने आप पर अपने किए पर पछतावा हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है उनके लिए, ठीक है, कम से कम उन्हें कुछ लोगों को एहसास तो हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें एहसास तक नहीं होता है कि उनसे कुछ गलती हो चुका है, तो गलती का एहसास हुआ बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छे मार्ग पर चल चुके हैं, वो राइट पाथ पर हैं, बहुत अच्छी बात है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके मन में जो भी मेल था ना, गलत चीज़ें थी, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और वो एक्चुअल में एक दिव्य मार्ग पर बहुत जल्दी आ भी सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, वो सॉरी है उसके लिए, ठीक है, वो आपसे रिश्ते रीक करना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप सही हो, जिन्होंने आपके साथ गलत किया वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा उन्हें कहीं ना कहीं तकलीफ़ हो रही है आपके साथ गलत करके, और अब वो चाहते हैं चीज़ें सही हो जाए, चीज़ें सुधर जाएँ, ठीक है, तो आप सही जा रहे हो। आप कभी किसी का दिल ना दुखाएं, कभी किसी को बुरा ना बोले, ठीक है, कभी किसी को नीचा ना दिखाएं, क्योंकि जो आज आप कर रहे हो ना, कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आपके साथ किसी ने ऐसा किया, आपको इंसल्ट किया, आपको नीचा दिखाया, आपको गलत बोला, ठीक है, आपसे रिश्ता तोड़ा, तो डिवाइन ने जब उन्हें अच्छे से समझाया तो वो समझ भी चुके हैं। कुछ लोग तो बहुत समझाने पर भी नहीं समझ पाते हैं, ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा सेंस किया है कि इतना ज़्यादा डिवाइन उन्हें ना साइन देते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं कि आ जाओ, बहुत हो चुका, अब अपने दिव्य मार्ग पर आ जाओ, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं, तो उन्हें फिर डिवाइन अपनी तरह से समझाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग बहुत जल्दी समझ में उनको आती है बातें, तो यहाँ पर हैं ऐसे कुछ लोग जिन्हें समझ में आ चुका है आपकी, उन्होंने आपके साथ बहुत गलत कर दिया है, अब वो बहुत जल्दी आपके जीवन में आ सकते हैं, क्योंकि वो दिव्य मार्ग पर हैं, दिव्य मार्ग पर चल पड़े हैं, ठीक है, अब चीज़ें उनकी लाइफ में भी अच्छी हो जाएंगी। क्या पता उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आए हैं, बहुत ज़्यादा उथल पुथल आई हैं, जिसकी वजह से वो आज इस दिव्य मार्ग पर चल पड़े हैं और उसकी सॉरी फील कर रहे हैं, अपनी गलती पर पछता रहे हैं। ओके, बहुत अच्छी, बहुत मुझे आज का मैसेज अब तक का सबसे बेस्ट ये लगा कि अपनी गलती का एहसास बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं कि हाँ गलती हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो भी है ना, जो भी हैं आपसे रिलेटेड जिन्होंने आपसे गलती किया है, वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं आपके लिए, और बहुत अच्छी बात है। ओके, बहुत अच्छी बात है, वो आएंगे सॉरी, आपको खुद से बोलेंगे कि हाँ गलती हो गई, सॉरी। सारी प्लानिंग फेल हो गई, डिवाइन ने फेल कर दिया है, ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना, प्लानिंग फेल हो चुकी है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे थे आपके अगेंस्ट, लेकिन फैमिली से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है कि फैमिली में बहुत ज़्यादा ना लड़ाई झगड़े करवाना चाहते थे, बहुत ज़्यादा ना सबको अलग करना चाहते थे, लेकिन वो प्लानिंग ना उनकी बिल्कुल भी ना वो नहीं, फेल हो चुके हैं बिल्कुल भी उनकी प्लानिंग ना, ये वाला ले लेते हैं। एक नया जन्म होगा, मतलब एक नया जन्म होगा आपका, सब आपको देखकर चकित रह जाएंगे, आप ना एक नए व्यक्तित्व में आने वाले, ये चीज़ें यहाँ पर मुझे समझ आ चुकी है, आप एक नए व्यक्तित्व को धारण करने वाले, आपका एक पुण्य जन्म होगा जिसे देखकर सब चकित रह जाएंगे। आज जो कोई भी इस वीडियो को सुन रहे ना,
आपने कहीं ना कहीं कुछ सोचा है अपने लिए, कुछ अच्छा करना चाहा है, कुछ अच्छी चीज़ें आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें जब आप करोगे ना तो आप खुद भी देखोगे कि आपका जो मतलब आपका जो एक रूप है ना वो बदलेगा। मतलब आप एक नए व्यक्तित्व में आओगे जब आप एक कार्य को करना स्टार्ट करोगे, जिससे आप जो मुझे लग रहा है कि कुछ इंट्यूशंस किसी को मिल रहे हैं, तो आप सुने अपने इंट्यूशंस की सुने, ठीक है, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करें। तो वो चीज़ अगर आप करोगे ना तो आप खुद भी देखोगे, लोग तो बाद में इस चीज़ को महसूस करेंगे, आप देखोगे कि सच में आप ना हो ही नहीं जो पहले थे, आपका ना एक पुण्य जन्म हुआ है, आप एक नए व्यक्तित्व में आ चुके हो और बहुत सारी अच्छी चीज़ों को ना महसूस कर पाओगे, फील कर पाओगे, और फिर बाद में लोग इस चीज़ को देखेंगे कि आप ना सच में पहले जैसे नहीं रहे, एक नया जन्म, एक पुण्य जन्म वो देखेंगे आपके आपको कि इंसान का ना सच में पुण्य जन्म ही है, ये इंसान तो ऐसा था ही नहीं जैसा आज ये है, ठीक है। तो ये आया है यहाँ पर मैसेज, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक, आपने जो भी खोया है उससे कहीं दुगना मिलेगा अब। तो आपने जो कुछ भी अब तक खोया है ना उससे दुगना पाने के लिए, दुगना की 10 गुना पाने के लिए यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं कि रेडी रहे, ठीक है, उससे दुगना आपको मिलेगा अब, क्योंकि उस चीज़ों के लिए, उस चीज़ के लिए आपने डिवाइन से बहुत ज़्यादा हो सकता है प्रार्थना किया है, रोया है, दिन रात आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, लेकिन वो चीज़ आपके हाथ से मुझे लग रहा है छूट गया, नहीं रहा। तो आप बहुत महीनों तक, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उस चीज़ से बाहर ही नहीं आ पाए, खुद को उस चीज़ से इतना ज़्यादा आपने जोड़ रखा था, लेकिन वो चीज़ ना आपके लाइफ से दूर हुई, ख़त्म कर दी गई, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा मैंने तुम्हारे लिए रखा है। वो चीज़ शायद तुम्हारे लिए सही नहीं थी, वो चीज़ तुम्हें आगे जाकर बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती थी, हार्म कर सकती थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी आपकी लाइफ में जो आपके लिए सही नहीं थी, आपके अकॉर्डिंग सही थी, लेकिन डिवाइन के अगर रूप उनकी आंखों से देखा जाए तो वो शायद आपके लिए सही नहीं था, इसीलिए वो चीज़ आपसे दूर हुआ। लेकिन उसके बदले ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आने वाला है ना जो सब चीज़ों की, आपकी ना सभी ऐसी चीज़ों की भरपाई कर देगा जो आपने खोया है, ठीक है। आपकी ने आपने ना शायद वहाँ तक सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आपके जो डिवाइन है, आपके जो ईश्वर है ना वहाँ तक सोच कर बैठे हैं, तो ग्रेटिट्यूड जरूर से हुआ करें, डिवाइन को थैंक यू जरूर से बोला करें। आपको नहीं पता है कि आप यहाँ बैठे हो, आपके पीछे क्या कुछ हो रहा है, ठीक है, लेकिन डिवाइन सब कुछ जानते हैं, वो हमेशा आपके लिए ना काम करते रहते हैं, हमेशा आपके लिए ना कुछ नया करते ही रहते हैं। आपको नहीं पता आपको कितने लोग परेशान करना चाहते हैं, हार्म करना चाहते हैं, तकलीफ देना चाहते हैं, लेकिन उससे डिवाइन आप तक पहुंचने नहीं देते हैं, और कोई चीज़ आप पकड़ के बैठ जाते हो कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए, आपको वो चीज़ चाहिए, लेकिन आगे जाके आप उस चीज़ का आपको क्या मिलेगा, क्या आपको नहीं मिलेगा, वो चीज़ आपको क्या दे सकती है, क्या छीन सकती है, वो आपको नहीं पता, डिवाइन को पता है। तो वो उस वहाँ तक जाने से पहले ही उस चीज़ को आपसे ले लेती है, क्योंकि आगे जाके ना आपका बहुत बड़ा कुछ ऐसा नुकसान हो सकता था जो डिवाइन नहीं चाहते थे, ठीक है, तो वो पहले ही उस चीज़ को ना आपसे दूर कर देते हैं। इस चीज़ के लिए हमेशा ग्रेटफुल आ, थैंक यू बोला करें, डिवाइन हमारे लिए कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं। आप अच्छे कर्म करते हो, आप अच्छा सोचते हो, सबके लिए अच्छा सोचते हो, ठीक है, किसी का बुरा नहीं चाहते हो, तो आप ये मानकर चलिए आपके लिए ऊपर ऐसा इंसान, एक ऐसा ईश्वर बैठा है जो आपके लिए कभी बुरा नहीं चाहेगा फिर, ठीक है, ऐसा इंसान आपके जो पितर हैं, और ले लेते हैं, प्लीज़ कम बैक, कोई आपको बुला रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, कुछ लोग आपसे डरे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर आया है कुछ लोग आपसे डरे हुए हैं, आपने कुछ किया है, कुछ एक्शन लिया है, मुझसे वो लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हैं, डर रहे हैं, क्या करोगे क्या नहीं करोगे आगे उन्हें नहीं पता, लेकिन हाँ ये वो डरे हुए हैं, ये तो दिख रहा है। क्या आया है, ऑल योर मनी ब्लॉकेजेस आर बीइंग रिमूव, आपके मनी ब्लॉकेजेस को ना यहाँ पर डिवाइन रिमूव कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है आपने, अब आपको ज़्यादा सफ़र यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा, ये चीज़ें मुझे अपनी तरफ से बोलना पड़ा आपको, क्योंकि पता नहीं क्यों मन किया बोल दिया मैंने, बार बार कर रहा था, बहुत ज़्यादा किसी ने यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे, बहुत कुछ एनर्जी हैवी हुई है, किसी ने बहुत ज़्यादा ना
अपनी लाइफ में ना कुछ ऐसा देखा है, ऐसा फेस किया है जो बहुत दर्दनाक था, बहुत अंदर तक उस चीज़ ने उसे तोड़ा है, झिंझोड़ा है बहुत ज़्यादा। किसी ने मतलब किसी का बहुत ज़्यादा ना पास्ट में दिल टूटा है, ये मुझे यहाँ पर सुनाई दिया है। अचानक से ऐसा दिल टूटा है कि महीनों तक उस चीज़ से ना बाहर ही नहीं आ पाए, फिर आपने अपने आप को समेटा है, अपने आप को एक किया है। लेकिन मैं समझ सकती हूँ, जैसी एनर्जी मैं महसूस कर रही हूँ, ऐसी एनर्जी मैं फील कर रही हूँ ना, आपने बहुत हद तक ऐसा लगा कि उस टाइम पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे मौत दे दो, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं फेस कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। मतलब कुछ पास्ट में ना ऐसी चीज़ें हुई है आपके साथ, ऐसा दर्द आपने अपने मन में ना बिठा रखा था, लेकिन हाँ ये चीज़ देख रही हूँ अब आप हील हो रहे हैं, उस दर्द से ऊपर उठ रहे हैं, और अब डिवाइन आपको कुछ ऐसा देने वाले हैं। जब आप बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करते हैं ना, जब आप अपने मन से सारी करवाहट, सारे दर्द को बाहर फेंक देते हैं, तब आपको डिवाइन वो खुशियाँ, वो चीज़ें, वो ब्लेसिंग देना स्टार्ट करते हैं कि आप उस चीज़ को इंजॉय कर पाएँ, आप उस चीज़ को समझ पाए, उस चीज़ से चीज़ को उसकी चीज़ की अहमियत समझ पाए। लेकिन जब तक आप उस मन को किसी चीज़ को लेकर बैठे हो, लेट गो नहीं कर रहे हो, तो भगवान आपको कुछ भी दे देगा ना, तो आप बस एक ही चीज़ पर अटकोगे कि मुझसे ये चीज़ छीन लिया गया, मुझे ये चीज़ नहीं मिली। इसीलिए डिवाइन ने बहुत वेट किया, क्योंकि ऐसा दिख रहा है आपने बहुत सारी चीज़ों को ना अपने मन में ऐसे बिठा कर रखा था कि उस चीज़ से बाहर आ ही नहीं रहते। लेकिन ऐसा देख रही हूँ मैं कि अब आप उन चीज़ों से बाहर आ रहे हो, अपने मोह से बाहर आ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आप करना स्टार्ट कर रहे हो। तभी ये मैं कहूँ कि मैसेज आया था ना, एक पुण्य जन्म होगा। ओ तो अब समझ आया, ये पुण्य जन्म आपका क्यों होगा? सारी पुरानी बातें भूलोगे तो सारी अच्छी चीज़ें अब आपके पास आने वाली है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपने ना अपने मन में बिठा रखा था, और अभी भी कुछ लोगों को ऐसा देख रही हूँ कि मन में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ना कह सकते हैं कि बहुत एक ऐसे फेस पर ले जाती है जहाँ पर आप फिर से पुरानी बातें याद करके रोने बैठ जाते हो। तो उस चीज़ से अब आपको बाहर आना है। नहीं आओगे बाहर तो जो प्लानिंग आपके लिए डिवाइन, आपके डिवाइन ने आपके लिए करी है, वो चीज़ें आपके पास नहीं आ पाएंगी। यहाँ पर 222 दिखा है, ब्लेस कर रहे हैं डिवाइन, ये बात सच है। ये डबल कंफर्मेशन आपको दिया जा रहा है कि जो मैं कह रही हूँ ना, आज फिर से 222 दिखा है मुझे यहाँ पर, ये डबल कंफर्मेशन है आपके लिए कि सही है। अपनी चीज़ों को पहले अंदर से जो करवाहट है, जो दर्द है, जिसके लिए आप अभी भी रो देते हो, उसे बाहर निकाल कर फेंक दो, तभी एक नई चीज़ों को ना वेलकम कर पाओगे और उस चीज़ के लिए ना जगह अपने मन में दे पाओगे। मन में तो इतनी ज़्यादा आपके ना अंदर इतनी सारी मतलब क्या बताऊँ, इतना हार्ट ब्रेक है ना, किसी का हार्ट ब्रोकन हुआ है, इतनी ज़्यादा तकलीफ में है ना कोई, अभी भी चीज़ों से निकलना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन डिवाइन कह रहे चीज़ों से निकलोगे तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, जिसकी वो सब चीज़ों की भरपाई कर देगा। आपको बस एक्शन लेना पड़ेगा, आपको अपने आप को ना अब एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो आप अभी भी वहीं पर रह जाओगे जहाँ पर आप 5 साल पहले थे, ठीक है। निकालो खुद को, हील करो, मेडिटेशन करो, ठीक है, डिटॉक्स करो, अपनी बॉडी में सारी चीज़ें जो भरी पड़ी है उन्हें लेट गो करो। कब तक उन चीज़ों को लेकर घूमोगे इधर उधर? अब ख़त्म करो, जो हुआ सो हुआ, अच्छे के लिए हुआ है आपके लिए, जो भी हुआ भूलो उस चीज़ को, आगे बढ़ो। आगे का जो समय है आपके लिए वो बहुत अच्छा है, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको कह रही हूँ, समझ लो, आपकी फ्रेंड हो सकती हूँ, दोस्त हूँ मैं आपकी, इतना तो मेरा हक बनता है कहने का। तो मैं ये चीज़ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि फील कर रही हूँ ना मैं, कुछ है लोगों के अंदर, कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है, तो उसको ना आपको अब खाली करना पड़ेगा। निकालो उन चीज़ों को। कब तक ऐसे रहोगे आप लोग? न्यू गेटवे फॉर यू, आपके लिए न्यू डोर खुल रही है, एक ऐसा गेट जो बहुत एक नया है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन ने बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया मुझे, सच में आप लोग ना सच में जब तक अपने मन के अंदर से वो करवाहट, वो दर्द, वो तकलीफ़ नहीं निकालोगे, तो एक नई चीज़ की आप वेलकम कैसे अपनी लाइफ में कर पाओगे। इसीलिए यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं उन चीज़ों को निकालो, उन चीज़ों को ख़त्म करो, क्योंकि आने वाला जो टाइम है ना वो आपका बहुत अच्छा है, आपके फेवर में है, और एक ऐसा नई चीज़, एक ऐसी नई चीज़ आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाली है, जो ऐसी चीज़ें भी आपकी लाइफ में आने वाली है जो सभी तकलीफ़ों को ना ख़त्म कर देगा, ठीक है। वो सभी तकलीफ दुखों को, जो भी आपका हार्ट ब्रोक हुआ है, ब्रोकन, ठीक है,
जो भी खंजर आपके भूखे गई हैं पीठ में, तो वो सब ना ख़त्म होगा और आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स, बहुत ज़्यादा पीसफुल, बहुत ज़्यादा शांत, अच्छा महसूस करोगे। ठीक है, तो अपने मन के अंदर जो करवाहट है उसे निकालो, अपने मन का दर्द उसे निकाल कर बाहर फेंक दो, क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीज़ों की जगह होनी चाहिए वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, वो आना चाहती है, लेकिन आपने भर के इतना मन में रखा है। अभी भी कभी ऐसा हो सकता है, मैं ये चीज़ देख रही हूँ, मैंने अभी भी बोला था आपको, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप उन चीज़ों को रो लेते हो, उन चीज़ों को जब याद करते हो ना तो रोते हो अभी भी, इसलिए यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम, वो यहाँ पर ट्विन फ्लेम हो सकता है। थैंक यू सो मच।